भारत के महान वैज्ञानिक सी वी रमन को आज भी दुनिया भर में उनके उत्कृष्ट आविष्कारों के लिए जाना जाता है। सन 1928 में उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसे आज भी उनके नाम से जाना जाता है। इसी खोज के लिए सी वी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। वो नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले एशिया के पहले शख्स थे। आज हम आपको देश के महान वैज्ञानिक सी वी रमन के खोज और उनके जीवन के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से वे नोबेल पुरस्कार विजेता बने। सी वी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर और मां का नाम पार्वती अम्मल था। रमन को बचपन से ही साइंस में बड़ा दिलचस्पी था। वो अक्सर खेल खेल में विज्ञान के कई प्रयोग कर डालते थे। उन्होंने सेंट एलोयसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी एवं सी वी रमन पढ़ाई में बेहद तेज थे। उन्होंने 11 साल की उम्र में 10वीं कक्षा जबकि 13 साल की उम्र में 12वीं कक्षा पास कर ली थी। 12वीं कक्षा में टॉप करने के बाद सन 1903 में आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में दाखिला लिया और स्नातक की डिग्री हासिल की और 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ऑनर्स इन फिजिक्स के साथ मद्रास विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री परीक्षा में टॉप किया था। वहीं सी वी रमन ने सन 1906 में स्नातक की पढ़ाई के दौरान प्रकाश के विवर्तन यानी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पर अपना एक रिसर्च पेपर फोसोफिकल मैगजीन को भेजा था। इस दौरान फोसोफिकल मैगजीन में छपे उनके रिसर्च को ब्रिटेन के जाने माने साइंटिस्ट जॉन विलियम स्टूट ने भी पढ़ा एवं जॉन मैथ्स और फिजिक्स के महान साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने आसमान नीला क्यों होता है उसका भी खोज किया था। सी वी रमन की इस रिसर्च से जॉन विलियम बेहद प्रभावित हुए। लेटर लिखकर उन्होंने रमन की प्रशंसा भी की। जॉन इस दौरान रमन को प्रोफेसर समझ बैठे थे और लेटर में उन्होंने प्रोफेसर कहकर ही संबोधित किया। हालांकि सी वी रमन ने इस घटना के एक साल बाद फिजिक्स में अपनी मास्टर डिग्री भी हासिल की। इसके बाद मात्र 19 साल की उम्र में रमन को कलकत्ता के इंडियन फाइनेंस सर्विस में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की नौकरी मिल गई। कलकत्ता में रहने के दौरान वो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी IACS से जुड़े, जो भारत का पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसी संस्थान ने उन्हें स्वतंत्र शोध करने की अनुमति दी। यहीं पर उन्होंने ध्वनिकी यानी एकॉस्टिक्स और प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स में अपना अहम योगदान दिया था। सी वी रमन ने 28 फरवरी 1930 को एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज किया था जिसे आज पूरी दुनिया रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में खोज की इस तारीख को हर साल नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी खोज के लिए रमन को 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन इफेक्ट एक ऐसी खोज है जिसमें प्रकाश की किरणों को अणुओं द्वारा हटाए जाने पर वो प्रकाश अपने तरंग दैर्ध्य में बदल जाता है एवं प्रकाश की किरण जब एक धूल मुक्त पारदर्शी रासायनिक मिश्रण से गुजरता है तो बीम की दूसरी दिशा में प्रकाश का छोटा सा अंश उभरता है। इस बिखरे हुए प्रकाश के ज्यादातर हिस्से की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ अपरिवर्तित रहता है। हालांकि छोटा सा अंश मूल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में अलग तरंग दैर्ध्य वाला होता है और उसकी उपस्थिति रमन प्रभाव का नतीजा है। आसान शब्दों में कहे तो रमन प्रभाव वास्तव में प्रकाश के प्रक्रियण या बिखराव की प्रक्रिया है जो माध्यम कणों की वजह से ही होता है। ये बिखराव तब होता है जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है और इस वजह से बदलाव भी होता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है तो उसकी प्रकृति और स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। यही माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटता है जब माध्यम अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को छित्रा या फैला देता है। यह उसी तरह होता है जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर गोटियों को छित्रा देता है एवं रमन इफेक्ट का इस्तेमाल आज भी वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मिशन चंद्रयान के दौरान चांद पर पानी का पता लगाने के पीछे सी वी रमन के रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही योगदान था। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में भी रमन प्रभाव को काफी उपयोगी माना जाता है। कई वैज्ञानिक आज भी रमन प्रभाव के आधार पर काम कर रहे हैं और उन्होंने भी इसके आधार पर कई चीजों की खोज की है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से आज चांद पर पानी से लेकर कैंसर का पता लगाया जा रहा है। रमन की इस खोज का मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी पदार्थ द्वारा प्रकाश और अन्य विकिरण के अवशोषण और उत्सर्जन का अध्ययन करना है।
आज दुनिया भर की केमिकल लैब में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसी खोज की मदद से पदार्थ की पहचान भी की जाती है। वहीं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सेल्स और टिश्यूज पर शोध से लेकर कैंसर का पता लगाने तक के लिए उनकी खोज काम आ रहा है।